हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 30 अगस्त 2018 का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका पीडीएफ और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा, असम सरकार ने राज्य को एक बार फिर से अशांत इलाका घोषित करते हुए किस अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है जो सुरक्षा वालों को विशेषाधिकार और छूट देता है? आंसर है आफ्सपा। यह है सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958। इंग्लिश में कहते हैं इसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। देखिए, सुरक्षा एजेंसियां तब तक राज्य में यह एक्ट चाहती हैं जब तक वहां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अपडेट करने का काम पूरा ना हो जाए। तो इसी को लेकर सरकार ने आफ्सपा को बढ़ा दिया है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। वहाँ पर विद्रोह की घटनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और यूएलएफए जो है वो सक्रिय है, तो इसलिए आगे बढ़ा दिया गया है इस अवधि को। अगला क्वेश्चन है, नोटबंदी के 22 महीने बाद आरबीआई ने जमा हुए 500 व 1000 रुपये के नोट की पूरी जानकारी सार्वजनिक की है, कितने प्रतिशत नोट आए? आंसर है 99.3%। देखिए, ये पहला मौका है जब आरबीआई की तरफ से स्पष्ट आंकड़े आए हैं, और ये आंकड़े जो हैं वो वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 में आरबीआई ने दिए हैं। तो अभी तक नेपाल और भूटान के बैंकों में जो जमा भारतीय मुद्रा है वो वापस नहीं आई है और उसके आंकड़े भी जोड़े नहीं गए हैं, और इसके बावजूद 99.3% नोट वापस आ चुके हैं 500 और 1000 रुपये के। तो मतलब साफ है कि सरकार के जिस नोटबंदी के फैसले की वजह से पूरा देश लाइन में खड़ा रहा उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी करते समय यानी इन नोटों को प्रचलन से बाहर करते हुए सरकार ने उम्मीद जताई थी कि काले धन के रूप में इस मूल्य वर्ग के तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आएंगे और ये ब्लैक मनी होंगे, लेकिन सारे ही नोट वापस आ गए हैं और लीगलाइज रूप में। और नए नोट को छापने में, उसके बदले जो नए नोट आए हैं उसको छापने में आरबीआई को बहुत मोटी रकम खर्च भी करनी पड़ी। 2016-17 में इसमें 7,965 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े आरबीआई को, और जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में 4,912 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। मतलब बहुत घाटे का सौदा रहा नोटबंदी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राज्यसभा सदस्य नंदा मुरी हरि कृष्णा का निधन कब हुआ? आंसर है 28 अगस्त 2018। वो तेलुगु सिनेमा के स्टार एक्टर और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टीएन रामाराव के बेटे थे। उनका निधन 62 ईयर की उम्र में एक सड़क हादसे में हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2017-18 में चालू वित्त वर्ष यानी अभी जो चल रहा है 2018-19 में देश का विकास दर यानी जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 7.4%। इस सालाना रिपोर्ट को 29 अगस्त को ही जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में 11वीं सदी के मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया है, ये मंदिर किस भगवान का है? आंसर है भगवान शिव। देखिए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 29 अगस्त को कंबोडिया पहुंचे हैं और इसी दौरान दो समझौते पर सिग्नेचर हुए हैं दोनों देशों के बीच में। इसमें एक समझौता जो है वो प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का है जो 11वीं सदी का है, और उसके रखरखाव को लेकर ये समझौता हुआ है। तो ये जो मंदिर है वो वर्ल्ड हेरिटेज है, जबकि दूसरा समझौता भारत के विदेश सेवा संस्थान और कंबोडिया के राष्ट्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान के सहयोग को लेकर हुआ है। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने पुलिस संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है जिससे पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार राज्य सुरक्षा आयोग स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना करेगा? तो आंसर है पंजाब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कुछ वक्त पहले कि किसी भी राज्य में डीजीपी 2 साल से कम अवधि के लिए नहीं चुना जाएगा। एक बात तो ये थी, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और आदेश था कि डीजीपी के चुनाव के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारियों का नाम यूपीएससी भेजना होगा, और यूपीएससी ही तय करेंगे, एक नाम भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट को और उसे डीजीपी बना दिया जाएगा। तो इसी प्रक्रिया से बचने के लिए पंजाब सरकार ने ये नया तरीका निकाला है, विधेयक पास किया है, पुलिस संशोधन विधेयक 2018।
अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि असहमति है लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व, रोका तो होगा विस्फोट। आंसर है 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने तेलुगु कवि वरवर राव, वी गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, ट्रेड यूनियनिस्ट और वकील सुधा भारद्वाज, मानवाधिकारवादी गौतम नवलखा को भीमा कोरेगांव मामले में 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ये सभी मानवाधिकार को लेकर काम करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उन पर पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा, पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित साजिश और नक्सलियों से संपर्क का आरोप लगाया था। तो इस गिरफ्तारी के खिलाफ में इतिहासकार रोमिला थापर सहित 5 लोगों ने 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस गिरफ्तारी का विरोध किया। तो इन वकीलों का कहना था कि असहमति रखने वालों को दबाने की कोशिश गिरफ्तारी के रूप में की जा रही है और जानबूझकर टारगेट करके 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। असहमति का यहाँ मतलब है जो सरकार की नीतियाँ हैं उनसे असहमति जताना। तो इस मामले में 29 अगस्त को ही यानी कल ही सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने की और इसी दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यहाँ याचिकाओं के जरिए व्यापक मुद्दा उठाया गया है, यहाँ बात असहमति को दबाने की हो रही है। असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, अगर इसकी इजाज़त नहीं दी गई तो ये फट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही है जस्टिस ने और गिरफ्तार लोगों को केवल अपने घर में नज़र बंद रखने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही पुलिस से आरोपों के सबूत मांगे गए हैं। कभी कभी ऐतिहासिक बातें होती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये ऐतिहासिक बात है। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के इतिहास में हेप्टाथलान में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन है? आंसर है स्वप्ना बर्मन। वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रहने वाली है और एक रिक्शा चालक की बेटी है, अभाव में रखकर उन्होंने ये मुकाम पाया है। देखिए हेप्टाथलान में एथलीट को कुल 7 स्टेज में हिस्सा लेना होता है, 7 तरह के खेल होते हैं। पहले स्टेज में 100 मीटर की फर्राट रेस होती है, दूसरा हाई जंप होता है, तीसरा शॉर्ट पुट, चौथा 200 मीटर की रेस होती है, पांचवा होता है लॉन्ग जंप और छठा होता है जेवलिन थ्रो। इस इवेंट के आखिरी चरण में 800 मीटर की रेस होती है। इन सभी खेलों में एथलीट को प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं और जिसे सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं उसे गोल्ड मेडल, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो इसमें स्वर्ण पदक पाया है स्वप्ना बर्मन ने, जो एशियन गेम्स के इतिहास में इंडिया की पहली खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियन गेम्स में पुरुष वर्ग में ट्रिपल जंप स्पर्धा में अपरिंदर सिंह ने कौन सा मेडल जीता? आंसर है गोल्ड। देखिए भारत ने एशियन गेम्स में पुरुष वर्ग में ट्रिपल जंप में यानी इस स्पर्धा में 48 साल बाद स्वर्ण पदक पाया है, गोल्ड मेडल पाया। इससे पहले मोहिंदर सिंह गिल ने 1970 में इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियन गेम्स में 300 मीटर दौड़ में दुती चंद ने कौन सा पदक जीता? आंसर है सिल्वर। देखिए 18वें एशियन गेम्स यानी 2018 में दुती चंद को ये दूसरा रजत पदक मिला यानी सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन भी एशियन गेम्स से ही है, टेबल टेनिस के मिक्स स्पर्धा में महिला खिलाड़ी मनका बत्रा और उनके पुरुष जोड़ीदार अचंत शरद कमल की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? आंसर है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, कहां पर भारत की पहली अंतर्राज्यीय पवन ऊर्जा परियोजना यानी इंटर स्टेट विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू की गई है? आंसर है गुजरात। ये गुजरात के भुज में शुरू हुआ है और इसकी क्षमता 126 मेगावाट है। 4 राज्यों को इसकी ऊर्जा मिलेगी, इससे जो बनने वाली ऊर्जा है, बिहार, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 4th गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में गूगल ने भारतीय भाषा प्रकाशकों को ऑनलाइन अपनी सामग्री यानी कंटेंट लेने में मदद के लिए परियोजना शुरू की है, प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसका नाम क्या है? आंसर है नवलेखा। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो अपने लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उनको इससे मदद मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। एक और बात कि गूगल ने तेज ऐप का नाम बदलकर अब गूगल पे कर दिया है, ये पेमेंट गेटवे ऐप है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त किया है? आंसर है रुचि घनश्याम। वो 1982 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर है मेजर ध्यानचंद, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसी दिन राष्ट्रपति जो हैं वो खिलाड़ियों को सम्मान देते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार। इस बार चूंकि एशियन गेम्स हो रहे हैं इसलिए अभी पुरस्कार नहीं दिया गया है, एशियन गेम्स के बाद जब खिलाड़ी वापस आएंगे इंडिया तब पुरस्कार दिए जाएंगे और संभावित डेट है करीब 25 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च स्मार्ट कोच को पहली बार किस एक्सप्रेस में लगाया जाएगा, किस ट्रेन में लगाया जाएगा? आंसर है कैफियत एक्सप्रेस। देखिए भारतीय रेलवे ने देश का पहला स्मार्ट कोच बना लिया है और उसको जल्द ही कैफियत एक्सप्रेस में लगा दिया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत ये कोच बनाया गया है, बहुत आधुनिक कोच है, तकनीक से लैस है। कोच में बहुत तरह के सेंसर भी लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे ऊंचे फिल्म स्टूडियो का उद्घाटन किया? आंसर है तमिलनाडु, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री पलनी सामी ने, उन्होंने MGR सेंचुरी फिल्म स्टूडियो का उद्घाटन किया है। ये जो फिल्म स्टूडियो है ये भारत का सबसे ऊंचा फिल्म स्टूडियो है। इसकी ऊंचाई 56 फीट है, 110 मीटर लंबा है और 100 फीट चौड़ा स्टूडियो है। इसका निर्माण पय्यानूर में हुआ है, MG रामचंद्र के नाम पे है ये स्टूडियो। वो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे और फिल्म स्टार थे, बहुत मशहूर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशंस से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने सदस्यीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया है? आंसर है 21 सदस्यीय और इसके अध्यक्ष होंगे विजय राघवन, वो केंद्र सरकार के अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं। इस कमेटी का नाम होगा प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी कमेटी, यानी PMSTIAC। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ मिलकर किसने क्षितिज 2020 यानी हाइड्रोजन 2020 कार्यक्रम के तहत नई इन्फ्लुएंजा टीका विकसित करने का अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है? आंसर है यूरोपीय संघ। तो अब करंट अफेयर्स का अगला वीडियो कल मॉर्निंग का आएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स और PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।